नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। भारत देश कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान है, और वो पांच जातियां जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाती है, वह पांच जातियां जो भारत सरकार बनाती है, वे पांच जातियां जो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाई, और वह पांच जातियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई। जी हां दोस्तों, मैं उन पांच जातियों के ऊपर आज एक सर्वे रिपोर्ट लेकर आया हूं। और हम क्यों बार बार कहते हैं कि बहन मायावती जी अनुभवी नेता है और काफी वरिष्ठ हैं, उनको प्रधानमंत्री पद की रेस में होना चाहिए, क्योंकि वो जानती है ये कौन सी वो पांच जातियां हैं जो सत्ता और सरकार बनाती है। आपको सुनकर काफी आश्चर्य होगा, देश में एक चर्चा का विषय बना जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। बिहार में शुरुआत भी कर दी गई, 500 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिया गया कि जाति के आधार पर जनगणना। हम आपको आज के न्यूज में उन पांच जातियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी भी सरकार को बना सकती है, किसी भी सरकार को गिरा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार कैसे बनी, भारत सरकार कैसे बनी और कैसे जमी हुई है। कहने का मतलब ये कि भारत की संसद उन पांच जातियों से सुशोभित होती है, शोभा बढ़ाते हैं ये पांच जातियां। उत्तर प्रदेश की असेंबली और उसमें 403 विधायक, उसमें वह पांच जातियां जो दबंग हैं, संख्या में बहुत ज्यादा हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन मैं आपको तमाम चीजें बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, आप कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन शादी ब्याह में जाति तो पूछी जाती है, उपजाति भी पूछी जाती है। और गलती से अगर आपकी जाति का पता ना लगे तो आपसे साला, मामा, उसका भी नाम पूछ लिया जाता है, ताकि उसके आगे पीछे इनिशियल से पता लग जाए कि आप किस जाति से हैं। और रही बात ये, आपको किसी मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया जाए तो योग्यता जाति होनी चाहिए, और जाति ऐसी जाति है जो जाति ही नहीं, प्रश्न तो ये उठता है। और रही बात ये, वह कौन सी जाति है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाती है, वह कौन सी जाति है जो अखिलेश यादव ताल ठोकने पर मजबूर हो जाते हैं, और वह कौन सी जाति है जिसके ऊपर बहन मायावती जी भी ताल ठोक देती है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम बिंदु बार विश्लेषण करने वाले हैं उन पांच जातियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाती है, बिहार की सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश की सरकार बनाती है, और भारत सरकार यानी देश की पार्लियामेंट में भी वही जाति संख्या बल में बहुत ज्यादा। इस देश की आबादी करीब 135 करोड़ से ज्यादा है, बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर, राजनीतिक सचेतक और विश्लेषक, सामाजिक चिंतक, सबके सब कहते हैं जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और रही बात ये, जातिगत आधार पर कुछ जगह हो भी रही है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं 15 और 85। कहने का मतलब यह कि 85% बहुजन समाज और 15% सवर्ण। लेकिन क्या नेताओं को जातिगत आधार पर गिनती करने की कोई बात कही कि किस जाति से कितने नेता हैं, सदन में किस जाति बल की संख्या ज्यादा है, और वह कैसे आते हैं, इसके ऊपर तो किसी ने विश्लेषण नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाता 15 और 85 हैं और नेता 85 और 15 हैं। कहने का मतलब यह, बिल्कुल उल्टा पुल्टा है, माहौल बड़ा अजीब सा है। सर्वे रिपोर्ट एग्जैक्ट है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि वह पांच जातियां जो राज करती है और बाकी सब शोर करती है, यह हालात बना हुआ है। शोर करने वाले कभी राज नहीं करते और राज करने वाले कभी शोर नहीं करते हैं, वो केवल शासन करते हैं इस देश में, और ये शासन करते आ रहे हैं।
भ्रष्टाचार की हर चीज में इन पांच जाति वाले का चाहे डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट कहीं न कहीं से इशारा जरूर होता है। ये नेता होते हैं, ये शासन करते हैं, ये सदन में जाते हैं, आवाज उठाते हैं और पूरा देश देखता है। अब मैं आपको आता हूं उन पांच जातियों पर। जो पांचवें नंबर की जाति कौन सी है सदन में, पांचवें नंबर पर किसका स्थान है? ऐसे पूरे सदन में करीब करीब हर जात बिरादरी से नेता होते हैं, लेकिन उनका संख्या 1, 2, 4 होता है। लेकिन थोक के हिसाब से वह कौन सी जाति है जिसके नेता बहुत ज्यादा है थोक के हिसाब से है? तो पांच जातियों का हमने जिक्र किया है, उन पांच जातियों में पांचवें नंबर पर यादव जाति है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में इनकी संख्या 27-28 के करीब है। और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो ज्यादा जोर देते हैं, उनके दल में उनके पार्टी में यादवों की संख्या ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि यादव जाति से, यादव समुदाय से नेता ज्यादा है। तो पांचवें नंबर पे हैं, इसमें मैं आगे भी बताने वाला हूं नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। हमने पूरा देश और खास करके उत्तर प्रदेश की असेंबली में जब नजर डाला तो एग्जैक्ट फिगर पूरा पता नहीं किया, लेकिन संख्या बल सबसे ज्यादा है, 27-28 के करीब यादव जाति के नेता हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में। आप काउंट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जो नेता आते हैं हमारे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में जो ये सरकार बनाते हैं, वह मुस्लिम समुदाय से, और इनकी संख्या 32, 33, 34 ऊपर नीचे होता रहता है। हर चुनाव में 2-4 बढ़ जाते हैं, 2-4 घट जाते हैं। तो यादव के बाद मुस्लिम जाति के नेता ज्यादा हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल कर आते हैं। और रही बात ये कि तीसरे पायदान पर कौन सी जाति है, आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा। और वह जाति इतनी अनोखी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर फूलपुर लोकसभा यानी इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा से चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक देते हैं। करीब करीब 3.5 लाख की आबादी उस जाति की है। वह कौन सी जाति है मैं आपको बता रहा हूं, और वह जाति इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाजपा अपना दल को लेके ऊपर बढ़ रही है, यानी कुर्मी जाति। मैं आपको बता देता हूं, कुर्मी जाति का बोलबाला उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेता इनके आते हैं असेंबली में। जो सोनेलाल पटेल और उनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल इसी जाति के दम पर भाजपा में बनी हुई है। कुर्मी जाति उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इनमें नेताओं की संख्या इतनी है कि असेंबली में एकजुट होकर आते हैं, और इनकी संख्या करीब 42-43 से ऊपर है। कभी 2-4 ऊपर हो जाते हैं, कभी 2-4 नीचे हो जाते हैं। तो एकजुट एक जगह बैठते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, दिखता है, नजर आता है। ऐसे 400-500 की जब असेंबली हो, चाहे भारत की संसद हो, 543 व्यक्ति हो, वहां पर नेता हो, उसमें करीब करीब हर जाति से नेता आते हैं। लेकिन हमने उन जातियों को उठाया है जिनके संख्या बल ज्यादा है, अन्य से ज्यादा है, और पांच जातियां निकल कर आई है। तो मैंने आपसे बताया कि तीसरे नंबर पर कुर्मी जाति है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की असेंबली, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को यह प्रभावित कर देती है। अब मैं आपको आगे वह जाति रख रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की सरकार में दूसरे नंबर पर है, और नंबर 1 पर कौन है यह आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन भारत की संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट, जहां 543 सांसद हैं, मैं अभी भारत की बात नहीं कर रहा, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसने बनाया, वह कौन सी जाति है जो दूसरे नंबर पर है, जो सरकार बनाती है और उनकी संख्या बल भी बहुत ज्यादा है। और ये जातियां हैं उत्तर प्रदेश के, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज, और जिनकी संख्या विधायकों की 57 से ऊपर है। कभी ये 57, 58, 59 हो जाते हैं, कभी 55, 56 होते हैं, इससे कम नहीं होता। और ये
सरकार बनाते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं, वोटरों को प्रभावित करते हैं और भारी संख्या बल में उत्तर प्रदेश की असेंबली में प्रवेश करते हैं। ये क्षत्रिय समुदाय है ठाकुर समाज। तो आपको उत्सुकता होगी वह कौन सी जाति है जो नंबर वन पोजीशन पर है, चाहे भारत की संसद हो अथवा उत्तर प्रदेश की असेंबली। मैं बार बार उत्तर प्रदेश सरकार क्यों कह रहा हूं, टारगेट पर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भारत का यह वह राज्य है जिसे कहा जाता है मिनी भारत, यानी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां 403 की संख्या है विधायकों की, और उन विधायकों में वह जाति विधायकों की संख्या लेकर पहुंचती है 86, 87, 88, यहां तक कि 100 तक भी पहुंच जाती है। और यह मामला था 2007 का, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। और यह जाति है ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति की संख्या, विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, सदन में बहुत ज्यादा है, ये नंबर वन पर है। और मैंने शुरू में ही वीडियो में कहा था कि बहन मायावती जी काफी अनुभवी वरिष्ठ नेता है, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण प्रयोग किया था 2022 में। यह और बात है वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया, यह और बात है वह प्रयोग काफी लेट शुरू हुआ और बहन मायावती जी आम जनता से रूबरू नहीं हुई। लोगों ने सोचा ये चुनावी स्टंट है, चुनावी जो है फिजूल बातें हैं, चुनाव में ये बोलने आए हैं, और इसलिए उनको इग्नोर कर दिया। अन्यथा अगर ब्राह्मण समाज इनके साथ होता तो कम से कम 86-87 विधायक तो होते ही होते, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब प्रश्न यह उठता है, ये जितने भी मंच सजे हुए हैं, जो सामाजिक मंच है, जातिगत आधार पर मंच बनते हैं और ये कहते हैं कि हमारी संख्या बल बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनाव में ये बिखर जाते हैं और जो जाति असेंबली में जाती है वह इनको भी अपने साथ ले लेती है और इनका वोट लेती है, इनको प्रभावित करती है। चुनावी आंकड़े तो कुछ और भी कहते हैं। चुनाव में एक फॉर्मूला है विभिन्न राजनीतिक दलों का, कहते हैं 1 = 10। अब 1 कौन सा है, फॉरवर्ड क्लास, 10 यानी 10 बैकवर्ड क्लास। ये मान के चलते हैं 1 फॉरवर्ड यानी 1 सवर्ण 10 बहुजन को प्रभावित करने में सक्षम होता है, राजनीतिक रूप से समझाने में सक्षम होता है, अपने साथ जोड़ने में सक्षम होता है। और ये फॉर्मूला राजनीति की है। अब रही बात ये संख्या बल किसी की कितनी भी क्यों ना हो जाए, रिजल्ट कौन दे रहा है और सरकार में कौन है, सत्ता तक कौन पहुंच रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पूरे देश यानी 135 करोड़ की आबादी को गिनती करने पर, और जो जातिगत की बात होती है कि जातिगत आधार पर इसकी जनगणना होनी चाहिए, उससे पहले क्यों नहीं नेताओं की गिनती कर लिया जाए और उसके बाद इस पर सोचा जाए कि इसका इलाज कैसे होगा। एक बहुल समाज है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, वहां से नेता निकल कर क्यों नहीं आते। हमारा मकसद आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, आपको सूचना देना है, और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ऐसी सूचनाएं हैं कि किस जाति के कितने नेता हैं, और वहां से इकट्ठा किया हुआ, सर्वे किया हुआ यह रिपोर्ट है। हमें जातियों में बांटना नहीं है, समाज को बरगलाना नहीं है, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जिस समाज से और जिस समुदाय से, जिस ज्योग्राफी यानी भौगोलिक क्षेत्र से कितने लोग असेंबली में आ रहे हैं, ये सूचनाएं इकट्ठा करना होता है। समाज विकसित हो, आप भी आगे बढ़ें और संसद तक पहुंचें, पहुंचने के लिए एफर्ट करें, कोशिश करें, संघर्ष करें, यही हमारा मकसद है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।